यहाँ पे एक चीज़ दिखी है मुझे, तो ये चीज़ आप चेक करो। इसको क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। डर तो बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन अब मन बना लिया कि कैंपिंग करना ही है। ये सुन लो भाई, ये लेपड़ की आवाज़ है कसम से। वाह, काफ़ी सही बनाया यार, पहली बार बनाया। सुन भैया, उसी की साउंड है भाई, मुझे तो लग रहा मेरा आसपास ही है भाई कहीं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे आज की एक और कैंपिंग वीडियो में। तो आज मैं करने वाला हूँ सोलो कैंपिंग, और आज मैं फिर से अकेले निकल गया हूँ एक और लोकेशन पे कैंपिंग करने के लिए। तो लोकेशन गांव से थोड़ा सा नज़दीक है, तो यहाँ पर से गांव का व्यू काफ़ी प्यारा दिख रहा है, तो गांव का पूरा नज़ारा दिख रहा है। तो गांव यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और सीधे ये देखो भाई, इतना बड़ा गांव है और गांव के ठीक आगे से रोड है। तो गांव का व्यू तो काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो अभी के लिए पहले लोकेशन पर निकलता हूँ, और यहाँ पर एक चीज़ दिखी है मुझे, तो ये चीज़ आप चेक करो। ये आप लोगों ने भी देखा होगा पहले, तो इसको क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस पे सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ निकलता है, तो पहले हम इसे पता क्या बोलते थे कि इस पेड़ पे ना दूध निकल रहा है, और ये काफ़ी चिपचिपा भी होता है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं। और ऐसा ना बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे, और ये पेड़ मेरे हिसाब से हाइट वाले एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये देखो भाई, इस पर भी सफ़ेद सफ़ेद दूध जैसा कुछ निकलने लग गया। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर, तो ये आप चेक कर लो। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इस पेड़ को क्या बोलते हैं। देखो भाई, मुझे तो ज़्यादा आइडिया है नहीं उस पेड़ के बारे में कि उसका नाम क्या है। बाकी यहाँ पर से गांव का नज़ारा जो दिख रहा, इस चीज़ से दिल खुश हो जा रहा है। यहाँ से थोड़ी देर बाद सनसेट भी होने ही वाला है, तो अभी के लिए ऐसा करता हूँ जल्दी जल्दी से पहले लोकेशन के लिए निकलता हूँ। और ये देखो भाई, इतना घना भूड़ और घना, यहाँ हमारे इधर भूड़ ही बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पूरा झाड़ियों वाला इलाका है। तो ये आप चेक कर सकते हो, तो ऐसे झाड़ियों में ना बहुत सारे जानवर होते हैं, भालू शेर जैसे बहुत सारे जानवर ऐसे झाड़ियों वाले इलाके में ना देखने को मिलते हैं। तो मुझे रात को अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। तो अभी के लिए टाइम कोशिश नहीं करता हूँ, जल्दी जल्दी से पहले लोकेशन के लिए निकलता हूँ। और अभी धूप भी काफ़ी तेज़ लग रखी है, तो पूरे फेस में ना बिल्कुल पसीना पसीना से हो गया, बहुत ही तेज़ धूप लग रखी है। और ऊपर से मैंने जैकेट पहन रखा है, क्योंकि पहाड़ों में ना रात को ऐसे हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जा रहा, तो इसलिए मैं घर से ही जैकेट पहन के आया। तो दोस्तों, ये वाला लोकेशन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा है, तो ठीक पेड़ के नीचे यहाँ पे टेंट पिच करने वाला हूँ मैं। तो वैसे तो पेड़ों के नीचे टेंट पिच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड में पूरा गड्ढा गड्ढा हो रखा है, तो टेंट पिच करने के लिए मुझे सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लान है और गड्ढा वगैरह कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहीं पर टेंट पिच करता हूँ। वैसे तो पेड़ों के नीचे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल तेज़ हवा भी चल रही है, तो हवा की वजह से ये होता है कि रात को पेड़ टूट भी सकता है, और बाकी ऑक्सीजन लेने में भी दिक्कत होती है वैसे पेड़ों के नीचे। लेकिन यार लोकेशन बाकी कहीं पर भी प्लान सा नहीं है कि जहाँ पर मैं टेंट पिच करूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे कर लेता हूँ बढ़िया सा टेंट का सेटअप। सोलो कैंपिंग में ऐसा होता है कि बहुत सारे सामान लेकर आना पड़ता है, और सारे सामान तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि कुछ सामान मुझे ना आगे भी छोड़ना पड़ता है और फिर वापस आना पड़ता है कैमरा लेने के लिए, क्योंकि यार सामान ना बहुत ज़्यादा होता है और ऊपर से शूट करना होता है, तो इधर उधर जाना पड़ता है और कैमरा छूट जाता है, फिर कैमरा लेने जाना पड़ता है। बाकी सोलो कैंपिंग करने का मज़ा भी थोड़ा सा अलग ही होता है। तो जल्दी से पहले टेंट का सेटअप करते हैं, और तभी जाके कैंपिंग करने में थोड़ा सा मज़ा आएगा। लोकेशन जितना प्यारा मिलेगा आपको, कैंपिंग करने का मज़ा उतना ज़्यादा आएगा।
आपका थोड़ी सी मेहनत करने के बाद टेंट अपना बढ़िया सा पिच हो गया, और गलती ये होगी, गलती से बड़ा वाला टेंट आ गया आज, तो कोई बात नहीं, बड़े वाले टेंट में बिल्कुल आराम से सो सकते हैं और पूरा खुला स्पेस मिलेगा सोने के लिए। तो अभी ऐसा करता हूँ, जल्दी से पहले सामान को सेट कर देते हैं अंदर। ऐसा कि सारे सामानों की अनबॉक्सिंग कर ही दिया मैंने, तो अब ऐसा करता हूँ, सबसे पहले कुछ गर्मा गर्म बनाता हूँ पीने के लिए, क्योंकि यार ठंडा जो है ना बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और अभी देखो भाई अंधेरा भी हो ही गया है। तो ऐसे में ये है कि जल्दी जल्दी मुझे कुछ पीने के लिए बनाना पड़ेगा, और फिर खाने के लिए भी बनाना है। तो ऐसा सीन है कि जितनी जल्दी मैं खाना पीना बना लूँगा उतना मिलने ही सही रहेगा। तो भाई जैसे कि कुछ खाने पीने के लिए बनाने से पहले मैंने सोचा यहाँ पे कैंप फायर कर लेता हूँ, क्योंकि जंगल के लग है तो ख़तरा भी हो सकता है, क्योंकि इधर पीछे ना पूरा घना जंगल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत आग जला दिया, तो धुएं की वजह से होता है, धुएं की स्मेल से जंगली जानवर थोड़ा आसपास नहीं आएंगे। तो अब चलता हूँ पहले टेंट के अंदर और कुछ पीने के लिए बनाता हूँ। अब सबसे पहले जलाता हूँ गैस। और अब बनाते हुए कुछ गर्मा गर्म पीने के लिए, तो अभी मूड फिक्स नहीं हुआ चाय बनाऊं या कॉफ़ी बनाऊं, तो देखते हैं क्या रेडी करता हूं मैं। तो ऐसा है कि दूध तो पहले ही डाल देता हूं, हल्का सा पानी भी डाला है मैंने, और चाय पत्ती का सीन तो नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि मैं कॉफ़ी रेडी करने वाला हूँ, तो कॉफ़ी से ये होता है कि थोड़ा सा थकान भी दूर हो जाएगा। और आग जलाने का रीज़न मैं तुम्हें बता देता हूँ, और जब मैं सामानों की अनबॉक्सिंग कर रहा था तो इतना लेट इसलिए हुआ, थोड़ी देर मैं टेंट बंद करके आराम से बैठ गया था यहाँ पे, क्योंकि यार मुझे ना यहाँ पे लेपर्ड की साउंड सुनाई दी इधर, तो मेरे पास है या मेरे से दूर है इतना तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मुझे साउंड सुनाई दी, तो इस वजह से थोड़ा सा रुक गया मैं। तो मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पर कैंपिंग करूँ ना करूँ, लोकेशन सेफ है या नहीं है, क्योंकि लोकेशन थोड़ा सा ख़तरनाक भी है, और प्यारा तो है लेकिन ख़तरनाक भी है, तो मैं यही सोच रहा था कि यहाँ पे कैंपिंग करूँ या यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन आवाज़ जो है ना एक ही बार सुनाई दी मुझे, उसके बाद आवाज़ नहीं आई। तो फिर उसके बाद आधा घंटा 45 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे फिर से जो सामान जैसा सेट था वैसा सेट कर दिया, और अब मस्त करके कैंपिंग कर रहा। बाकी रात को अगर कुछ सीन होगा और कैप्चर करने लायक कुछ मिल गया तो कैप्चर करेंगे। और वैसे डर तो लग ही रही है अब, जब से मतलब आवाज़ सुनाई दी तो डर तो बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन अब मन बना लिया कि कैंपिंग करना है, तो अब ऐसे कि कैंपिंग करना ही है। फाइनली ये है कि प्याज मैंने छिल दिया कॉफ़ी के रेडी होने होने तक, और बाकी कॉफ़ी भी अपनी बढ़िया से रेडी हो गई है। तो सबसे पहले मैं अब 2 रुपए वाले कप में कॉफ़ी पीता हूँ, 2 रुपए का तो नहीं है लेकिन कॉफ़ी पी लेता हूँ भाई, क्योंकि ठंडा लग रहा है और हवा चलने शुरू हो गई है। तो गाइज मज़ा आ गया भाई कॉफ़ी पीने में, और कुत्तों की आवाज़ सुन लो भाई, कुत्ते इतने ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे ना भाई, जो आवाज़ मुझे सुनाई थी ना भाई कुत्तों ने तो महसूस कर ही लिया होगा, कुत्ते बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं इस चीज़ को। इधर जो आवाज़ मैंने सुनी ना मुझे सही में लग रहा है भाई, वो बोले हम मेरे से थोड़ा सा दूर होगा ये हो सकता है, लेकिन लेपर्ड भाई आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है भाई इधर।
तो बाकी चलो देख लेंगे जो भी होगा। आप कैंपिंग करने का मन बना ही लिया और पूरा आधा घंटा 45 मिनट मस्त गाना सुना यहाँ पर टेंट को लॉक करके, और उसके बाद सोचा चलो कैंपिंग कर ही लेता हूँ। आप देखो गाइस प्याज और टमाटर की कटिंग भी कर दिया। टमाटर को ना हमेशा उल्टा करके काटना चाहिए, क्योंकि अगर तुम फिसलन वाली साइड से काटोगे ना तो हाथ पे चाकू फिसल भी सकता है और उंगलियां कटने का सबसे ज़्यादा डर रहता है। बाकी उल्टी साइड से काटोगे तो टमाटर आसानी से कट जाएगा और कटने का डर भी कम रहेगा अगर तुम टमाटर को उल्टी साइड से काटते हो तो। बाकी यार प्याज टमाटर की कटिंग हो गया और अब फटाक से काटता हूँ शिमला मिर्च। गाइज फाइनली शिमला मिर्च की कटिंग भी हो गया, तो चॉपिंग वाला काम पूरा हो गया है। तो अब मैं चलता हूँ जो पास्ता मैंने बॉईल करने के लिए रखा था ना उसको लेने के लिए। ओ भाई, तो आज बनने वाला है बिल्कुल बढ़िया सा पास्ता। पहली बार बना रहा होगा मैं कैंटीन में, मुझे जहाँ तक लग रहा है अभी तक मैंने कभी पास्ता बनाया नहीं होगा शायद से कैंटीन में, और बनाए भी होगा तो मुझे याद नहीं है। वैसे तो मेरे हिसाब से पहली बारी है ये। तो गाइज ऐसे कि कढ़ाई तो गर्म हो गई है तो ऑयल डाल देते हैं। व्यवस्था इतनी तगड़ी हो रखी है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है भाई। आवाज़ सुन लो भाई, अभी आवाज़ सुन लो, ये सुनो लेपट के घुराने की आवाज़ भाई, और कुत्ते भी इतने जोर जोर से भौंकने लग गए ना अभी। ये सुन लो भाई, ये लेपट की आवाज़ है कसम से, इतनी भयंकर आवाज़ भाई मेरे पास तो नहीं आई कहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे आसपास ही है। ये देख लो गाइस फिर से आई, फिर से आवाज़ आई भाई, ये लेपट की आवाज़ है भाई, 100% लेपट की आवाज़ है ये। मैंने आग तो जला रखी है तो, लेकिन यार अब रिस्क ले लिया है तो ऐसा तो भागने वाला हूँ नहीं मैं अब, क्योंकि पूरा सेटअप यहाँ पे कर दिया मैंने तो ऐसे छोड़ के तो जा नहीं सकता मैं। ज़्यादा ही हो गया तो टेंट लॉक कर दूँगा और मस्त करके सो जाऊँगा। बाकी जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आया सामान वगैरह सेट कर रहा था उस टाइम पर भी आवाज़ आई, और अभी इतनी भयंकर आवाज़ आई ऐसा लगा मेरे पास ही है भाई। अब थोड़ा सा डर तो लग रहा है भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कसम से जब आवाज़ आई तो। थोड़ा सा सोया सॉस मस्त कलर देता है इससे, और पीस भी थोड़ा सा सही आ जाएगा। यह है विनीगर, इससे तो खट्टापन आता है। वैसे थोड़ा सा चिल्ली सॉस डाल देते हैं। ओ भाई ये तो ज़्यादा चली गया, लेकिन सही होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा मिर्ची नहीं होता वैसे, और
थोड़ा सा टमाटो केचप। तो टोमेटो केचप, सोया सॉस, विनीगर और चिल्ली सॉस मैंने इसमें डाल दिया। तो अब देखते हैं भाई टेस्ट कैसा आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर देता हूँ। मस्त पास्ता अपना रेडी हो गया है। थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद बिल्कुल तगड़ा सा डिनर करते हैं। और थोड़ा सा ज़्यादा बन गया लेकिन कोई नहीं, खा लूँगा या तो मॉर्निंग में काम आएगा। बाकी आग तो बिल्कुल बढ़िया सी जल गई है, जो हवा हो रही है ना, हवा की वजह से आग जल रही है। बाकी यार लेपर्ड का डर अभी तो नहीं लग रहा है क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही है। भाई सीन कुछ ऐसा है, हो गया 10 मिनट के आसपास, तो भूख भी लगी रही है और डर भी लग ही रहा है। तो मैं करता हूँ सबसे पहले खाना शुरू और टेंट को कर देता हूँ उसके बाद मस्त करके लॉक, और देख लेंगे भाई उसके बाद जो भी होगा। तो गाइज अब थोड़ा सा गर्मा गर्म पास्ता का मजा लेता हूँ। वाह काफ़ी सही बनाया यार, पहली बार बनाया इतना तगड़ा। मज़ा आ गया। थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा होगी, बाकी तो बिल्कुल परफेक्ट है। और सच में सोचा नहीं था कि ऐसा भी बनेगा, बिल्कुल बढ़िया बनना है, दिल खुश कर हो गया। भाई सुन लो अभी भाई लेपड़ की साउंड है भाई, ये सुन लो, ये कुत्ते देखो कितने जोर जोर से भौंकने लग गया अभी अचानक से। ओ भाई ये फिर से आवाज़ आई, फिर से आएगी भैया, उसी की साउंड है भाई। मुझे तो लग रहा मेरा आसपास ही है भाई कहीं। जल्दी जल्दी से निपटाता हूँ यार, ऐसे मेरा खतरा हो सकता है। एक तो मैं अकेला आ गया और लेपर्ड ऐसा एक्टिव हो गया ना उत्तराखंड में, कोई हिसाब नहीं है भाई। एक टाइम पे बोल रहे थे कि लेपर्ड वगैरह कुछ नहीं रह रखा अब जंगलों में, अब जो कांड हो रहा ना श्रीनगर में देखा होगा आपने। तो फाइनली गाइस अभी ऐसा है कि डिनर भी हो गया है। तो यार अब मैं ऐसा कर देता हूँ टेंट को लॉक कर देता हूँ, फिर से आवाज़ आई। और अब ऐसा है कि सोने की तैयारी करता हूँ। भैया ठंडा होने लग गया भाई धीरे धीरे अब ना। तो ऐसे सामान को तो मैं टेंट के बाहर नहीं छोड़ूंगा क्योंकि रात को जंगली जानवर कुछ भी आ सकता है। और टेंट को कर देता हूँ उसके बाद लॉक मस्त करके और फिर सो जाते हैं। बाकी यार अभी के लिए मस्त टेंट लॉक कर देता हूँ और सो जाता हूँ, बाहर पे आग भी जली रही है। तो इसके बाद सीधे मॉर्निंग में मिलता हूँ, और तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट गाइस। और टेंट को बढ़िया से लॉक कर देते हैं भाई। तो गाइस अब ऐसे कि सो जाते हैं भाई, बिल्कुल तगड़ी वाली नींद आ रही है और थकान बहुत ज़्यादा लग गई यार आज कसम से। ऊपर से डर भी लग रही है थोड़ी बहुत, लेकिन टेंट के अंदर थोड़ा सा सेफ फील कर रहा हूँ कि बाहर के कुछ महसूस नहीं हो रहा मुझे अब, और मस्त करके सो जाता हूँ।
गुड मॉर्निंग गाइस। तो दोस्तों सुबह भी हो गई है और रात को जो तगड़ी वाली नींद आई, बिल्कुल मज़ा सा आ गया। रात को बिल्कुल पता भी नहीं चला एक बार सोने के बाद। तो जो मैं बोल रहा था ना, रात को की लेपड़ की आवाज़ आ रही है, तो जैसे मैं टेंट के अंदर गया मस्त नींद आ गई और कुछ पता ही नहीं चला। और उसके बाद से अभी उठ रहा हूँ। ठंडा इतना मस्त उर का मौसम कि क्या ही बताऊँ। तो चलो यार, अब चलने की तैयारी करते हैं, सामान की पैकिंग करते हैं। मौसम भी आज बिल्कुल बादल बादल वाला हो रखा है और काफ़ी ठंडा उर का मौसम। दोस्तों देखिए, सामान भी पूरा पैक हो गया और ऐसा है कि अब यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। सुबह सुबह की मस्त ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। बाकी कूड़ा जो भी था सब उठा दिया, सामान पूरा पैक हो गया और टेंट अच्छे से सेट कर दिया बैग पे। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। तो अब यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ब्लॉग पसंद लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल पर नए तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इसके बाद एक और प्यारी सी नाइट कैंपिंग वीडियो में। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस। बहुत भारी है भाई। इसको सेट नहीं किया।